नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों से संवाद कर रहे हैं और प्राकृतिक खेती के बारे में बता रहे हैं कि अब समय आ गया है कि हम अपने खेती में बदलाव करें। जानकार ये बताते हैं कि खेत में आग लगाने से धरती अपनी उपजाऊ क्षमता खोती जाती है। हम देखते हैं कि जिस प्रकार मिट्टी को, और ये बात समझने जैसी है, जिस प्रकार मिट्टी को जब तपाया जाता है तो वो ईंट का रूप ले लेती है और वो ईंट इतनी मजबूत बन जाती है कि इमारत बन जाती है, लेकिन फसल के अवशेषों को जलाने की हमारी यहां परंपरा सी पड़ गई है। पता है कि मिट्टी तपती है तो ईंट बन जाती है, फिर भी हम मिट्टी तपाते रहते हैं। इसी तरह एक भ्रम यह भी पैदा हो गया है कि बिना केमिकल के फसल अच्छी होगी नहीं, जबकि सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। पहले केमिकल नहीं होते थे लेकिन फसल अच्छी होती थी। मानवता के विकास का इतिहास इसका साक्षी है। तमाम चुनौतियों के बावजूद कृषि युग में मानवता सबसे तेजी से फली फूली, आगे बढ़ी, क्योंकि तब सही तरीके से प्राकृतिक खेती की जाती थी, लगातार लोग सीखते थे। आज औद्योगिक युग में तो हमारे पास टेक्नोलॉजी की ताकत है, कितने साधन हैं, मौसम की भी जानकारी है। अब तो हम किसान मिलकर के एक नया इतिहास बना सकते हैं। दुनिया जो ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के परेशान है, उसका रास्ता खोजने में भारत का किसान अपनी परंपरागत ज्ञान के द्वारा उपाय दे सकता है। हम मिलकर के कुछ कर सकते हैं। भाइयों और बहनों, नेचुरल फार्मिंग से जिन्हें सबसे अधिक फायदा होगा वो है हमारे देश के 80% छोटे किसान। वो छोटे किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम भूमि है, इनमें से अधिकांश किसानों का काफी खर्च केमिकल फर्टिलाइजर पर होता है। अगर वो प्राकृतिक खेती की तरफ मुड़ेंगे तो उनकी स्थिति और बेहतर होगी। भाई और बहनों, प्राकृतिक खेती पर गांधी जी की कही ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है, जहां शोषण होगा वहां पोषण नहीं होगा। गांधी जी कहते थे कि मिट्टी को अलटना, पटलना, भूल जाना, खेत की गुड़ाई भूल जाना, एक तरह से खुद को भूल जाने की तरह है। मुझे संतोष है कि बीते कुछ सालों में देश के अनेक राज्यों में इसे सुधार आ रहा है। हाल के वर्षों में हजारों किसान प्राकृतिक खेती को अपना चुके हैं। इनमें से कई तो स्टार्टअप्स हैं, नौजवानों के हैं। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई परंपरागत कृषि विकास योजना से भी उन्हें लाभ मिला है। इसमें किसानों को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है और इस खेती की तरफ बढ़ने के लिए मदद भी की जा रही है। भाई और बहनों, जिन राज्यों के लाखों किसान प्राकृतिक खेती से जुड़ चुके हैं, उनके अनुभव उत्साहवर्धक है। गुजरात में प्राकृतिक खेती को लेकर हमने बहुत पहले प्रयास शुरू कर दिए थे। आज गुजरात के अनेक हिस्सों में इसके सकारात्मक असर दिखने को मिल रहे हैं। इसी प्रकार हिमाचल प्रदेश में भी तेजी से इस खेती के प्रति आकर्षण बढ़ रहा है। मैं आज देश के हर राज्य से, हर राज्य सरकार से
ये आग्रह करूंगा कि वो प्राकृतिक खेती को जन आंदोलन बनाने के लिए आगे आए। इस अमृत महोत्सव में हर पंचायत का कम से कम एक गांव जरूर प्राकृतिक खेती से जुड़े, ये प्रयास हम सब कर सकते हैं। और मैं किसान भाइयों को भी कहना चाहता हूं, मैं ये नहीं कहता कि आपकी अगर 2 एकड़ भूमि है या 5 एकड़ भूमि है तो पूरी जमीन पर ही प्रयोग करो, आप थोड़ा खुद अनुभव करो, चलिए भी उसमें से एक छोटा हिस्सा ले लो, आधा खेत ले लो, 1/4 खेत ले लो, एक हिस्सा तय करो, उसमें ये प्रयोग करो, अगर फायदा दिखता है तो थोड़ा विस्तार बढ़ाओ, 1-2 साल में आप धीरे धीरे पूरे खेत में इस तरफ चले जाओगे, दायरा बढ़ाते जाओगे। मेरा सभी निवेश साथियों से भी आग्रह है कि ये समय ऑर्गेनिक और प्राकृतिक खेती में इनके उत्पादों की प्रोसेसिंग में जमकर के निवेश का समय है। इसके लिए देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का बाजार हमारा इंतजार कर रहा है। हमें आने वाली संभावनाओं के लिए आज ही काम करना है। साथियों, इस अमृत काल में दुनिया के लिए फूड सिक्योरिटी और प्रकृति से समन्वय का बेहतरीन समाधान हमें भारत से देना है। क्लाइमेट चेंज समिट में मैंने दुनिया से लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट यानी लाइफ को ग्लोबल मिशन बनाने का आह्वान किया था। 21वीं सदी में इसका नेतृत्व भारत करने वाला है, भारत का किसान करने वाला है। इसलिए आइए आइए आजादी के अमृत महोत्सव में मां भारती की धरा को रासायनिक खाद और कीटनाशकों से मुक्त करने का संकल्प लें। दुनिया को स्वस्थ धरती, स्वस्थ जीवन का रास्ता दिखाएं। आज देश ने आत्मनिर्भर भारत का सपना संजोया है। आत्मनिर्भर भारत तभी बन सकता है जब उसकी कृषि आत्मनिर्भर बने, एक एक किसान आत्मनिर्भर बने, और ऐसा तभी हो सकता है जब अप्राकृतिक खाद और दवाइयों के बदले हम मां भारती की मिट्टी का संवर्धन गोवर्धन से करें, प्राकृतिक तत्वों से करें। हर देशवासी हर चीज के हित में, हर जीव के हित में प्राकृतिक खेती को हम जन आंदोलन बनाएंगे। इसी विश्वास के साथ मैं गुजरात सरकार का, गुजरात के मुख्यमंत्री जी का, उनकी पूरी टीम का इस इनिशिएटिव के लिए, पूरे गुजरात में इसको एक आंदोलन का रूप देने के लिए और आज पूरे देश के किसानों को जोड़ने के लिए मैं संबंधित सभी का हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों से संवाद किया और प्राकृतिक खेती के बारे में उनको जागरूक किया और कहा कि अब समय आ गया है हमको प्राकृतिक खेती की तरफ वापस चलना चाहिए। ऑर्गेनिक खेती और प्राकृतिक खेती का बाजार पूरे विश्व में बहुत बड़ा है और ऐसे में हमें जो केमिकल वाले खाद हैं, जो कीटनाशक हैं, उनका त्याग करना होगा। और इसके लिए उन्होंने ये भी कहा कि आप प्रयोग कर सकते हैं, अगर आपके पास 2-2.5 एकड़ खेत है तो आप शुरुआत में कुछ ही एकड़ में उसका प्रयोग करिए, अगर आपको लगता है कि इसमें सफलता मिल रही है तो आप धीरे धीरे उसका दायरा बढ़ाएं, क्योंकि आने वाला जो समय है वो प्राकृतिक खेती का है। गुजरात का उन्होंने उदाहरण दिया कि गुजरात में जो किसान है वो प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ चुके हैं और उससे फायदा भी हो रहा है, क्योंकि जो केमिकल वाली खाद है, जो कीटनाशक है, उससे नुकसान हो रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों से संवाद किया और इस दौरान उन्होंने प्राकृतिक खेती के बारे में किसानों को जागरूक किया और उनसे चर्चा की कि प्राकृतिक खेती अभियान को एक जन जागरण बनाना है, क्योंकि अब समय आ गया है कि अब हमको प्राकृतिक खेती करनी चाहिए, केमिकल वाले जो खाद हैं, जो कीटनाशक हैं, उनको त्यागना होगा और अब जो
बाजार है, पूरे विश्व का जो बाजार है वो प्राकृतिक और ऑर्गेनिक खेती की तरफ चल रहा है।